तो आज हम लोग आर्टिकल 12 डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने आईपीसी के जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उसको कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 12 आखिर कहता क्या है। आपको पता है कि आर्टिकल 12 जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो आप भाग 3 ही टिक लगाइएगा। अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे पहले क्या था कि इंग्लैंड की महारानी जो क्या करती थी कि एक अधिकार पत्र निकालती थी जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था और उसी में सारे लोगों के राइट्स जो है उसमें डिक्लेयर किए रहते थे, डिस्क्राइब किए रहते थे। और इसके बाद 1689 को बिल ऑफ राइट्स लाया गया जिसमें सभी के इम्पॉर्टेंट राइट्स को उसमें डिफाइन किया गया था। सबसे पहले क्या आया? मैग्ना कार्टा आया। इसके बाद क्या आया? बिल ऑफ राइट्स आया। और इसके बाद 1928 को फंडामेंटल राइट्स आया जिसमें सारे लोगों के क्या थे, फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें डिफाइन किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स मीन्स आप समझते हो, फंडामेंटल राइट्स मीन्स होता है मूल अधिकार, जिसमें सारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सारे चीज़ों का अधिकार उसमें डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 12 आखिर कहता क्या है। आर्टिकल 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी हूँ, आपको आगे डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, अगर कोई भी स्टेट जो है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है तो वो क्या कर सकती है कि उसके जो स्टेट ने फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया है उसके रूल एंड रेगुलेशन को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। मीन्स कि उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि आर्टिकल 12 जो है स्टेट के विरुद्ध नागरिकों को एक अधिकार प्राप्त है और स्टेट इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं जो स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है भारत सरकार एवं सांसद। भारत सरकार मीन्स हो जाती है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड सांसद जो है पार्लियामेंट में, आपको पता है कि लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए या फिर आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं, वो संसद के अंतर्गत आते हैं। एंड राज्य सरकार सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो आपका राज्य के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है राज्य सरकार एवं विधानमंडल। राज्य सरकार मीन्स हो जाती है आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया एंड उसके अंतर्गत जो विधानमंडल है वो भी स्टेट है। ओके, अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आता है सभी स्थानीय प्राधिकारी मीन्स कि लोकल सेल्फ गवर्निंग जो बॉडी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय प्राधिकारी मीन्स कि लोकल अथॉरिटी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या हो सकती है, आपको पता है कि जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ आपकी नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गए या फिर म्युनिसिपल बोर्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो जाते हैं, ETC, ये सब आपके क्या है, स्थानीय प्राधिकारी है, लोकल अथॉरिटी है। ओके, जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थानीय प्राधिकारी कहेंगे। एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट है अन्य प्राधिकारी मीन्स हो जाता है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी के अंतर्गत ये सब तो पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि ये सब जो है स्टेट के अंतर्गत आता है, बट अन्य जो प्राधिकारी है, अदर अथॉरिटी है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ पॉइंट नोट आउट की हूँ, क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है, क्या NCERT स्टेट है, क्या जुडिशियल सिस्टम स्टेट है क्या। तो यहाँ पर हम लोग आगे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अदर अथॉरिटी के अंतर्गत यहाँ पर ICAR हो गए, CSIR, ONGC, IDBI, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो विद्युत तो आपका विद्युत बोर्ड है, ये सब ATC वगैरह हैं जो अदर अथॉरिटी के अंतर्गत आपके स्टेट माने जाते हैं, स्टेट कहे जाते हैं। और इसके अगर ये जो है अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया करता है तो क्या हो सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, पॉइंट यहाँ पर आता है कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है क्या।
यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ तीन केस हुआ था, यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं इसके बारे में जानने के लिए तीन केस हुआ था। तीन केस क्या है? फर्स्ट केस है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई AIR 1953 मद्रास के केस में क्या हुआ था कि इसमें क्या था कि कहा गया कि जो जो आपका मद्रास जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट नहीं है। क्यों स्टेट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी एक सॉवरेन पावर नहीं है, मीन्स संप्रभु शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना जाए। इसके बाद आता है उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंतर्गत भी इसके जो इसमें जो वर्डिक दिया गया था कि यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, इसमें क्या किया गया, इसमें जो है रिस्ट्रिक्टिव कर दिया गया। तो यहाँ पर इसमें रिस्ट्रिक्टिव करके इसमें बोला गया कि स्टेट, इसमें भी कहा गया कि जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है स्टेट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एडमिशन देने से रोका जाता है अपने राज्य में, तो ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी को कह दें कि ये सॉवरेन नेचर का नहीं है, ये सॉवरेन पावर का नहीं है, इसलिए इसे हम स्टेट नहीं मान सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस केस के अंतर्गत कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है स्टेट है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है चलती किसके किसके अनुसार है, कोई भी स्टेट के अनुसार है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही कोई भी यूनिवर्सिटी जो है कार्य करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है स्टेट है। एंड यहाँ पर चलते हैं हमारा सेकेंड जो पॉइंट रहता है, जीवन बीमा निगम हो गया, LIC हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस आयोग ONGC हो गया, या फिर कारखाना वित्त निगम IFC, क्या स्टेट है या नहीं, इसके बारे में बोला गया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 1331 के केस में क्या था कि इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान के अंतर्गत ये क्या हुआ, बहुमत हुआ। तो 4-1 के बहुमत से ये चीज़ कहा गया कि जो हमारा LIC हो गया, फिर ONGC हो गया, IFC हो गया, जैसे कि ICAR हो गए, CSIR हो गए, ONGC हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए, ये सब क्या है, ये सब स्टेट है। ओके, स्टेट है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड जो पॉइंट है, जुडिशियल सिस्टम स्टेट है कि नहीं। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो में बताया गया है कि जुडिशियल सिस्टम जो है स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या अगर आपके राइट्स का वॉयलेशन होता है तो क्या जुडिशियल ज़रूरी है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो जो डिसीजन दे दी तो वो सही होगी। अगर सही होती तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो जुडिशियल रिव्यू कराया जाता है वो नहीं कराया जाता। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है कि AR अंतुले वर्सेस RS नायक AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 153 के केस में ये चीज़ बोला गया है कि कोई भी जुडिशियल सिस्टम हो गया, न्यायिक प्रणाली हो गई, उसके द्वारा अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो वो भी एक स्टेट है। जुडिशियल सिस्टम जो है एक स्टेट है, अगर वो भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो आप जो है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके नियम एंड कानून को, जो भी कार्य है उसकी विधियाँ हैं उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हो गए या हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत रीट दाखिल करके, या फिर अगर कोई भी जजमेंट दे दिया जाता है और आपको लगता है कि वो जजमेंट जो है गलत है तो आप क्या करते हो, PIL डालते हो, या फिर आप न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि जुडिशियल सिस्टम जो है स्टेट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल सिस्टम के द्वारा जो निर्णय दे दिया गया है वो सभी पर बाध्यकारी हो, एक बार पुनर्विचार करने के लिए भी उन्हें बताया जा सकता है, कहा जा सकता है, इसीलिए उसे जुडिशियल सिस्टम को भी स्टेट माना गया है। अब यहाँ पर चलते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो है स्टेट है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत क्या हो सकती है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये सब एक क्या है कि इसे हम स्टेट कह सकते हैं क्या? तो इसके अंतर्गत एक केस है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 200
12 पेज नंबर के अंतर्गत ये चीज कहा गया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट जो कंपनी है तो उसको जो कैपिटल कहाँ से मिलेगी, पूंजी जो है कहाँ से मिलेगी, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, या फिर आपका जिस स्टेट में उसके जो कॉरपोरेशन लगाया गया है या फिर कंपनी खड़ा करी गई है तो उसको उस स्टेट से उसको पूंजी मिलेगी, कैपिटल मिलेगी। तो यहाँ पर यही चीज कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पूंजी के ऊपर वह चलती है, पूंजी के उसको कैपिटल दिया जाता है तभी वो गवर्नमेंट कंपनी चलती है। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी को स्टेट माना गया है, स्टेट कहा गया है इस केस के अंतर्गत। अब यहाँ पर चलते हैं, क्या कोई जो पब्लिक है, क्या कोई पर्सन है वो स्टेट है क्या? पब्लिक जो है स्टेट नहीं है। यहाँ पर कोई भी पब्लिक जो है, प्राइवेट पर्सन इज नॉट स्टेट। यहाँ पर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 1987 1SCC 395 के केस में कहा गया है कि प्राइवेट यूनियन, यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि प्राइवेट यूनियन को स्टेट नहीं माना गया है और जो प्राइवेट पर्सन है उन्हें भी स्टेट नहीं माना गया है, लेकिन इस केस के अंतर्गत एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट यूनियन को भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत लाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है असंख्य कर्मचारी जो है फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करना जो है स्टेट का दायित्व तो बनता है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसीलिए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया है कि एक प्राइवेट यूनियन को भी स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंतर्गत भी बहुत सारे कर्मचारी लोग कार्य करते हैं, अगर उनका फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि उसे भी स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं कि एक दो और केस है इसके अंतर्गत, जैसे एनसीईआरटी क्या स्टेट है? एनसीईआरटी जो है स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी AIR 1992 पटना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1965 के अधीन एक रजिस्टर्ड संस्था है, या एक रजिस्टर्ड संस्था है, ओके। इसीलिए जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत एनसीईआरटी जो है स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि स्टेट जो है क्या चीज होता है, तो स्टेट के अंतर्गत कोई भी चीज जो है आता है, ओके। तो कोई भी चीज अगर आता है तो अगर उसके अंतर्गत आपके राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप जो है सीधे आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे डिक्लेयर किया जा सकता है, आप जो है रीट दाखिल कर सकते हैं कि हाँ इसने मेरा फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको थप्पड़ मार देता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको हक्का मार देता है और फट से आप जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो ये सब नहीं कहा गया। जब तक वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है तो आप जो है डायरेक्ट जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया है, इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया है। इसीलिए आर्टिकल 12 बनाया गया है। आर्टिकल 12 जो है भाग 3 एंड भाग 4 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है स्टेट वॉट को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज स्टेट, एंड स्टेट के अंतर्गत कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप जो है सीधे उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जा कर सकते हैं, एंड ये आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय, थैंक यू।